गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे कहीं, देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर। और ये देखो को धुंध दिख रही है, तो दिख रही है तो धुंध हो रही, तो टाइम हो गया 9:15, फिर भी ऐसी धुंध हो रही। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मिलते हैं, नहा धो के मिलते हैं आपसे, तो जब जाएंगे तो बता देंगे। चलो फिर भाई, हमने खाना वगैरह तो खा लिया। आप कह, आप सोचेंगे बेटा भाई तुम है तो है नहीं भाई हो ना। हमारा सवेरे प्लान था जाने का, वो नागदेवता मंदिर है ना साल बड़े वहाँ। ये देखो कौन आया, हेलो कर दो। आप क्या डंडा से लेके चौकीदार बने फिर रहे, मार लो। ये हमारा डंडा है, एक ऊपर इकट्ठा करने का है। अरे ये भैंसों का भी लगता है, हमारी भैंसें दूध दे देती हैं। अरे ये इसके भी लगता है। मेरे तो लगता है, मैंने क्या गलत काम करे तो मेरे लगे। और बट ठीक है, हम नए नहीं, फिर वहाँ जाना था साल नाग देवता के मंदिर में। तो वो कह रहे थे भाई हमारे रिश्तेदार भी हमारे उनके घर भी जाएंगे, तो फिर दोपहर इसी को जाएंगे खाना खुना खा के। क्यों उन्हें परेशान करना है खाने के लिए, अपने घर जब खाना है यहाँ खा के जाऊँगे आराम से। हमारे एक मामू का बर्थडे भी है, उन्हें पीस भी करेंगे थोड़ी देर में, मतलब दोपहर के बाद चलेंगे रोटी रोटी खा के, चलते हैं। चलो भाई, टाइम बज गए 12:15, 12:15। तो चलते हम नहाने, फिर खाना खुना खा के फिर चल। पानी तो चला देता, बाल्टी नहीं मिल रही, वहाँ कपड़े रखे हुए, अब बाल्टी ढूंढ के आते हैं, फिर नहाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। भाई हम नहा लिए, अब खाते हैं खाना। फिर से ये उड़ पा ली यार, ये उड़ना मेरी फेवरेट है कसम से, मुझे वाला कलर बहुत बढ़िया लगा है, अच्छा लगे ना। मैं इसमें इसलिए पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है। चले फिर रोटी खाओ, मैं फिर चलते हैं टी आर कर खा के जाऊँगे अपने, वो परेशान करना दूसरों को है तो वो भी अपने, दूसरे तो नहीं है। लेकिन फिर भी यार इतने बंदे जाने, 5-6 बंदे जाओगे हम, क्यों किसी को परेशान करना, इससे बढ़िया अपने घर खा के जाऊँगे। चलो खाते हैं फिर चलते हैं। भाई खाना भी हो गया, तैयार भी हो गए, अब चलते हैं गाड़ी निकालते हैं, फटाफट चलते हैं टाइम पे। आगे घर थे थोड़ा दूर, वो घर अभी कोई है ही नहीं, मतलब चाय वगैरह पी रहे थे वो, तो प्राइवेसी है यार, हम ऐसे किसी की प्राइवेसी लीक नहीं कर सकते। कई बंदे बोल ना कि भाई तुम तो बातें, तुम जहाँ जाते हो वहाँ दिखाते नहीं भाई क्या करते हो। अरे भाई अपनी लोगों की प्राइवेसी भी होती है, वो लीक थोड़ी करनी हमने, ब्लॉग बना रहे कोई वो थोड़ी बताएंगे कि भाई हाँ ये बात है, लड़ाई हो रही चाहे खुशी की बात है गमी की बात है, वो थोड़ी दिखा सकते हैं भाई। बाकी तो दिखाते ही हैं यार हम, ऐसे पूरा नहीं दिखा सकते ना, इसलिए हम खेत साइड आ गए। उन्होंने बोला तुम खेत साइड घुमाओ फिर आएंगे हम ब्लॉग में, बट ठीक है हम नीचे आ गए यहाँ और देख लो मस्त व्यू है, दिखाते हैं रुको। ये देखो ये आम के बाग, गर्मियों में इनमें आम खतरनाक लगेंगे। ये रास्ता है, इस रास्ते में ना पहले आवे थे ना बचपन में, बहुत डरे थे, मेरे मम्मू बोलते थे कि ना इस रास्ते में ना है भूत है भूत। और हाँ इस रास्ते पे चल जाएंगे ना नीचे को, देखते हैं अगर जाएंगे नीचे, जा के नीचे वो वहाँ जाके वो है क्या बोलते हैं गिरी है, गिरी कैसे, गिरी में पानी चला है, नदी है यार वहाँ बांगड़न पुल से दिखते हैं नीचे, वो वाली नदी है। जाते थे हम नहाने यहाँ को, लेकिन अब ठंड है जा नहीं सकते, जब गर्मी होगी फिर आएँगे, फिर ब्लॉग दिखाएँगे आपको, मस्त बनता है कसम से भाई। ये देख लो ये खंडर है, देखो यहाँ तो खिड़की बना रखी, छुपन छुपाई खेलने काम आओगा, तो खेलते थे वैसे हम इसमें छुपन छुपाई, लेकिन अब तो खंडर हो गया, जो रात में आते तो भूत से लगे हैं, और इस रास्ते पे रात में जाते हैं भूत चुड़ैले निबड़ जाओ, अभी वो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, वो वास्तविकता में। भाई हमारी नानी जी, ये भी हमारी नानी जी, ये भी हमारी नानी जी, ये चारों साथ हैं, देख लो आगे चलना, वो देखो पीछे इनका घर वो दिख रहा ठीक है, और इन्होंने बोई भी बुट्टी, हाँ रामदेव बाबा जी की बुट्टी, रामदेव बाबा की बुट्टी बो रखी इन्होंने।
प्याज भी बोए हुए, आधे खेत में भुट्टी बोई हुई, आधे खेत में गेहूँ बोई हुई। देखो ये हमारी मम्मी जी बैठे, इन्हें तो जाने आप, हमारे नानू जी बैठे छोटे वाले, ये बड़े वाले बैठे। हाँ अब चलते हैं नदी पे। भैया देखो कहाँ से निकल के आ गए हम खेत में को आए, ये सीक्रेट रास्ता बना रखा है अंदर ही अंदर। ये देखा ये तेज बन रहे, चलो चल दे गिरी पे जाके हफ्ते हम। चलो भाई ये देखो आगे हम गिरी पे, ये देखो आगे हम गिरी पे, और ये हम नीचे जा रहे। अब तो प्लेन कर दिया रास्ता पहले ना, यहाँ से पत्थर थे कुदरे वैसे, और ये आया देखो गिरी। हमने बोला था ना हम गिरी दिखा देंगे, उस वाले रास्ते को नहीं गए, दूसरे वाले रास्ते को आ गए। और देखो वो ट्रक जाने के लिए रास्ता बना रखा है इन्होंने, वो देखो खनन हो रहा है यहाँ, खनन अवैध खनन चला हुआ है इस टाइम। और देखो वहाँ पे भी अवैध खनन चल रहा, और रुको दिखाते हैं तुम्हें। और ये देखो, वो देखो वहाँ एक मंदिर सा है, और वो वहाँ हम ना में थे, लेकिन आजकल पानी कम है ना, गर्मियों में पानी ठीक आ जाएगा। और देखो कुआँ दिख रहा, गहरा कुआँ है, इससे डर जाते हैं, कुएँ थे ना यूँ तो अच्छा रहा कसम। देखो अवैध खनन करने जा रहा है ट्रैक्टर। भाई वो देख लो हिमाचल की ब्यूटी, तो देख लो कसम से मजा आवे यार इस जगह। और ये ऊपर ये ना रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम स्टोन भी जा सके, पर हम जाने के नहीं, हमें परमिशन नहीं आना यहाँ तक जाने की। हम यहाँ तक आए वही बड़ी बात होगी, यहाँ पे ठीक है रास्ता वगैरह, यह पहाड़ी रास्ते, यहाँ पहाड़ी बंदे ही चल सकें। हमारे जैसों के तो पैर टूट जाएंगे, पर हमारे पैर फिर भी सख्त हैं कसम से, सच्ची बता रहे भाई। मैं भाई तुम बुरा मानो चाहे अच्छा, मैं इस कुएं में नहीं देखूँगा, क्योंकि इस कुएं तक लगे मुझे बचपन से ही बॉर्डर, आज भी डरूँ मैं, चाहे मैं 20-21 साल का जितने का भी हूँ, मैं नहीं देखने का इस कुएं भाई, बॉर्डर लगा। और देखो ये बनाई भी इन्होंने लीग सी कसम से, मजे आ रहे तो देख लो अल्टीमेट। और पीछे भी आ रहे यारे, और देखो पीछे रह गई, ये आ जा जल्दी कुएं में कूदेगी क्या ये, हम खतरनाक आसमान की ऊंचाइयों में नहीं है हम, हमें पत्थरों की गहराइयों में है हम, पत्थरों की गहराइयों में। और देखो ये ट्रक भी अवैध खनन करने जा रहा, पुलिस वाला पकड़ लो, देख लो इसका नंबर देख लो, इन्हें पकड़ लियो हैं भाई। ये दिख रहे पत्थर से तो दूर क्या हमें ना, मतलब दूर शहर से, मतलब पोंटा वाले तो चल चले रहे हैं हाँ, तो दूर तो हमें वो देखो, वाह कितने सारे स्टोन्स यार, कितने सारे स्टोन्स भाई, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए भाई। देख लो अवैध खनन कर रहे हो भाई, कुछ करो पुलिस वालो यार, परमिशन तो दे रखी ने। वो देखो वहाँ पे भी लगे हुए और वहाँ पे भी लगे हुए, देख लो। और हम आए थे वो ऊपर दे फैक्ट्री पत्थरों वाली, हम आए थे वहाँ ऊपर दे भाई। वो देख लो मेरी इस मामले में कोई सहमति नहीं है, ये खुद जा रही है अपने उसते, अगर ये बाद में इसकी मम्मी या इसके पापा हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, हम इसके कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं हम इस। भैया देख लो चेहरा इसको आ रहा पूरा गुस्सा इस टाइम, और वो भी उस पे, क्योंकि इसने इसके पा रखे जूते और इसकी मैंने चप्पलें पहन के रखी हैं। चप्पले तो चल कोई नहीं, चप्पले तो हो जाएगी ठीक, जूते भाई जूते खराब कर दिए देख लो, गिल साले को बम से उड़ा दूंगा। भैया देखो वो रहा ऊपर घर, इसको देख के ना मुझे केदारनाथ वाली फीलिंग आ जाए, किस दिन बाढ़ आ गई ना ये घर भी जाऊँगे नीचे, कहाँ बना रखे घर बिल्कुल कोने पे, यहाँ तक किस दिन बाढ़ आ गई ना, भगवान करे ऐसा ना हो कोई दिन ना, पर अगर आ गई तो जाएंगे वो भाई। अब चलते हैं घर, कसम से थक गए चढ़ाई चढ़ के, अब चलते हैं घर, चलो घर भी जाना। भाई देखो ये दे दिया गिफ्ट मामू को, हेलो कर दो, देखो देखो बढ़िया चलो खुश रहो भाई। ये देख लो हम तो 2 घंटे से वेट कर रहे और अभी वो आ रहा, इन्हें फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं चकता। अब जा रहे हम घर, इन्हें कर देते हैं दोनों जने देखो कैसे भागेंगे अब, नहीं खड़ी करनी पड़ेगी ऊपर खड़ी बाइक, और देखो कौन बैठे वो देखो वही तो देख रहे जहाँ के बड़े लेट हो ना। चलो भाई हम चलते हैं ऊपर, पहुंच के थे घर, और देखो खड़ी हमारी पीछे गाड़ी पार्क कर दी हमने। अब चलते हैं ऊपर आराम से कपड़े वगैरह बदलते हैं और बैठते हैं हीटर में। चलो तो अब चलते हैं हम नीचे, बोधर से भी बैठे हुए थे तो अब चलते हैं नीचे खाना खाने, खाना खाने के लिए बुला रहे, तो चलो चलते हैं देखते हैं आज क्या बना, भूख तो लग रही बहुत यार, वहाँ से आके कुछ भी नहीं खाया।
भाई खाना हो गया, अब चलते हैं ऊपर थोड़ी देर, हीटर वगैरह सेकते हैं और देखेंगे टीवी, फिर चलते हैं, फिर मतलब फिर आ जाएंगे यहाँ सोने। फिलहाल ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, नेट यहाँ नहीं चलता, नेट आपको पता है। चलो तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज बहुत थक गए कसम से, नदी पे गए थे, पत्थर पुत्थर थक गए पैरों में, पर कोई बात नहीं। चलो आंखे भी देख लो, नींद वाली हो रही पूरी, सोते हैं या ब्लॉग एडिट कर लेते हैं पहले, फिर सोते हैं आराम से। 12 बजे तक ब्लॉग एडिट हो जाएगा, फिर सोऊंगा आराम से, आराम तो ढूंढो कल 8-9 बजे, 9 बजे के टाइम पे ब्लॉग अपलोड करने के टाइम पे। तो चलो सोते हैं, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गुड नाइट, बाय।